दिल्ली में टी20 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप इंडिया नु ग्रांड वेलकम जुओ एयरपोर्ट पर दर्शकों जमावड़ाई खिलाड़ियों नु करियो स्वागत। इंडिया ये कोई मामूली बात नहीं है, दो बार वर्ल्ड कप जीतना, इंग्लैंड एंड ओनली इंडिया गेट अ चांस टू विन दिस वर्ल्ड कप एंड रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा 90s किड के लिए लास्ट टाइम मौका मिल रहा है जिनको हम देख पाएंगे, तो लाइव में उनको देखने आया हूँ। सारे मैचेस मैंने थिएटर में देखे हैं, सारे दोस्तों के साथ एंजॉय किया है, सो प्रीटी एक्साइटेड एंड मच अवेटेड फॉर द टीम इंडिया। रोहित शर्मा भी उस लेगेसी में आ गए जहाँ पर कपिल पाजी, MS धोनी, और जब हम बात करते हैं आपके लेगेसी में आ गए वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान, इससे पहले हम नहीं जीत पाए और 17 साल बाद वर्ल्ड कप, मतलब इस बार तो हमसे कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन लेजेंड है, रिस्पेक्ट है, सैल्यूट है रोहित शर्मा को। टीम की जीत है, ये नहीं खाली रोहित शर्मा की टीम की जीत है, शूरवीर है देश के लिए, वो देश के लिए शूरवीर है। हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, हम हेड हाई करके पूरे विश्व में कहीं भी चल सकते हैं, इनकी वजह से पूरे विश्व में कहीं भी चल सकते हैं। ये इंद्रदेव मेहरबान नहीं है, ये एक आशीर्वाद है जो ईश्वर दे रहा है हमारी विश्व टीम को, क्योंकि वर्ल्ड कप 17 साल बाद वापस आ रहा है, जो कि धोनी की कप्तानी में साथ में आया था, अब वो 17 में आया है और बहुत ज्यादा खुशी है, एक्साइटेड है हम लोग 1 बजे से यहाँ पे, उनको देखने का, एक ट्रॉफी देखने का हमें 17 साल बाद मौका मिलेगा, इतनी खुशी होगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे लोग रातों से आके खड़े हो गए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, एक झलक देखने के लिए, एक ट्रॉफी देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, 17 इयर्स बाद वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में, लास्ट टाइम MS धोनी सर ने जिताया था, अब अपने रोहित शर्मा लेके आए वर्ल्ड कप, तो फीलिंग तो बता ही नहीं सकते कैसी है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहने जुड़ा रहो S9 न्यूज साथ।